को नमस्कार। कल भाई टीजीट इंग्लिश वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, उसका जो है ना ऑर्डर अपलोड हो गया है, उस ऑर्डर को देख लेते हैं। पिटीशन फॉर स्पेशल लीव पिटीशन टू अपील नंबर 13824 अराइजिंग आउट LPS 18-61 थी ना, निधि शर्मा एंड अनदर वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा, वो केस है भाई। अब इसमें IA लगा दी थी, कल बताया था मैंने वीडियो में, विड्रॉल ऑफ केस एप्लीकेशन। इन्होंने अपना केस उठाया है, इसमें ना तो कोई हारा है ना कोई जीत्या है, ये सिर्फ केस अपना विड्रॉ कर लिया है। डेट 30/9/2022, दिस मैटर वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे। ये मैटर जो है ना हियरिंग के लिए रखा गया था जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस MM सुंदरेश फॉर पिटिशनर, ये इनके एडवोकेट है, ये रेस्पोंडेंट के एडवोकेट है। इसमें अपॉन हियरिंग द कौंसल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, भाई सारी बातें सुनकर कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया। या IA नंबर दे दिया 14/34/2022, नंबर 1, दिस इज एन एप्लीकेशन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट्स पिटिशनर सीकिंग विड्रॉल ऑफ SLP सी नंबर 13/24/2022। भैया जो IA है या जो एप्लीकेशन है या इन पिटिशनर द्वारा अपनी जो SLP लगाई थी इन्होंने, उसको उठाने के लिए लगाई गई है। नंबर 2, हैविंग हर्ड लर्न कौंसल अपीयरिंग ऑन बी आफ ऑफ द एप्लीकेंट्स पिटिशनर, भाई जो पिटिशनर के भी आप पर जो भी एडवोकेट पेश हुआ उसको सुनने के बाद, एंड केयरफुली परसिंग और केयरफुली उसके सारे कागजात को जांचने के बाद, द एवरमेंट जो भी औसत इसमें लिखा गया था एप्लीकेशन में जो भी मांग की गई थी सारी जांचने के बाद, द सेम इज अलाउड, यानी कि जो विड्रॉल की एप्लीकेशन थी वो अलाउड कर दी है। एंड SLPC नंबर 13/24/2022 इज़ डिसमिस्ड एज विड्रॉन, ये जो है डिसमिस की जाती है एज विड्रॉन, तो ये विड्रा की गई है वह एप्लीकेशन। एक था एक कल एक बेकूफ लिखा था सुबह या वो है एडिटेड है, फेक न्यूज है भाई, ज़रूर फेक्स है। पर वैसे बताऊँ बेकूफ है कसर है कौन है दुनिया में, ऊँ पैदा कौन है रखे ऊँ फेंक रखे हैं, विधि विधान तो ना रहे बस ऊँ तो कैसरा चल रहा काम कि कुछ हो लिखते हैं ना न्यू देखे भाई, मुद्दा की है कि ये बात को है एक एडिटेड है फेक्स है ना, पर इन पर कितनी बात कर ले। कुल मिला के भाई ये अंतरिम ऑर्डर आ गया है, कॉन्सिक्वेंटली अंतरिम ऑर्डर डेटेड 29/8 स्टैंड वैकेटेड, इसीलिए जो अंतरिम ऑर्डर दिया था 29/8 को वो वैकेट कर दिया, यानी कि अब कोई स्टे नहीं है इस भर्ती पर। और अब तो भाई विभाग को भी जल्दी से जल्दी मेवात कैडर वालों को ज्वाइनिंग देनी चाहिए और इनका जो है ना ROH का रिजल्ट निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये इसी सटे के कारण रुका हुआ था। और अब भी अगर HSSC अपना काम समय पर नहीं करेगा, क्योंकि चाहते थे पहले भी इंटरस कहते 2 महीने के, लेकिन इन्होंने डील करे रखी उसमें, बार बार बुलाए गए उस कहानी स्टे हो गई, एक महीना ही स्टे में ख़राब हो गया। पर चलो देर आए दुरुस्त आए भाई, फिर कहूँ TGT इंग्लिश भर्ती पर अब कोई स्टे नहीं है, जो SLP लगाई गई थी वो निधि शर्मा जी ने विड्रा कर ली है और जो स्टे का ऑर्डर था वो भी रद्द समझा जाए, अब इस भर्ती पर कोई स्टे नहीं है। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, धन्यवाद। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।